Continue with chapter 10, trial balance. In this video, we are going to discuss question number 1 of the back exercise of balance method or total method. So, question number 1 is, record the following transaction in the journal, post them into ledger and prepare trial balance as on 31st March 2019 in the books of Messer, Roshan Lal and Son with the balance method. आपको बोला गया है कि आपने इन ट्रांजेक्शन्स का पहले जर्नल बनाना है, देन आपने इसका लेजर बनाना है, देन आपने लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना है. क्लियर? सो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि लेजर अकाउंट बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं. तो मेरे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, हम उसकी हेल्प के साथ ही सीखते हैं. सो आपको ये ट्रांजेक्शन गिवन है, इसका जर्नल ऑलरेडी बना है जो हमें भी आता है कि हम जर्नल कैसे बनाते हैं. देन आपको कंप्लीट जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ मेंशन है. फिर जर्नल से आगे लेजर्स भी बने हैं. सो हम सीखेंगे कि लेजर से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले हमें कैश का लेजर गिवन है. सो कैश का लेजर अकाउंट हमें बनाना आता है. आपने सारी एंट्रीज डाल दी रिस्पेक्टिव साइड के ऊपर, फिर आपने इसका टोटल कर लिया, ये आपके पास बैलेंस आ गया. जो पिछले महीने का या पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा. आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो हम बैलेंस आगे लेकर आ रहे हैं, ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, वो किस साइड है. अगर वो डेबिट साइड आ रहा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे. अब कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, तो कैश का बैलेंस हम डेबिट साइड लिख लेंगे 16850. नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल अकाउंट. सो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सी साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो कैपिटल का बैलेंस हम कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे. सो सेकंड में मैंने लिख लिया कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड था तो मैंने लिख लिया क्रेडिट साइड. देन इट इज परचेजेस, परचेजेस का बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है तो हम भी कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड. आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन देखना जो टोटल करने के बाद हमारे पास आता है, ठीक है. सो परचेजेस का बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, सो हमने डेबिट साइड लिख लिया 3000. देन नेक्स्ट इज सुखदेव, सुखदेव का बैलेंस आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड, तो हम भी कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे. सो सुखदेव का बैलेंस लिख लिया, क्रेडिट साइड है 1300 के साथ, सो हमने लिख लिया क्रेडिट साइड 1300. इसके बाद हमारे पास है सैलरी अकाउंट, सैलरी का बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है ब्रॉड डाउन, तो हम भी कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे. सो लिख लिया सैलरी अकाउंट, डेबिट साइड लिखना है, सो डेबिट साइड लिख लिया. क्लियर है? सो ये आपके पास कुछ लेजर थे, आपने बस यही देखना है कि टोटल करने के बाद बैलेंस कौन सी साइड आ रहा है. अगर डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड लिख लो, अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिख लो. देन हमारे पास है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड आ रहा है तो हम भी कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड. सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, लिख लिया क्रेडिट साइड. देन इट इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड आ रहा है तो हम भी कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिख लेंगे. ड्राइंग्स अकाउंट. आगे देखें प्रिंटिंग चार्जेस, इसका भी बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है तो हम भी डेबिट साइड लिख देंगे. प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट. देन इट इज डिस्काउंट अकाउंट, इसका भी बैलेंस हमारे पास क्रेडिट साइड आ रहा है तो हम कौन सी साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे. डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास डिस्काउंट की है 50, सो हमने यहां लिख लिया क्रेडिट साइड 50. लास्ट में हमारे पास है सुनील अकाउंट, सुनील का बैलेंस आ रहा है हमारे पास डेबिट साइड तो हम भी कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड. सो डेबिट में लिख लिया सुनील अकाउंट. क्लियर? सो जितने भी इस क्वेश्चन के लेजर थे सबके बैलेंसेस हमने लिख लिए. लास्ट में हम इसका बस टोटल करते हैं. अगर डेबिट साइड का टोटल करें तो ये बन रहा है 26,050 रुपीज़. सिमिलरली क्रेडिट में भी बन रहा है 26,050 रुपीज़. डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट. क्लियर? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहले आपने जर्नल सही बनाया हो, फिर जर्नल से आपने लेजर में सही पोस्टिंग की हो, फिर आपने बस लेजर के बैलेंसेस देखने हैं जो टोटलिंग करने के बाद हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं. अगर तो वो डेबिट साइड आ रहे तो डेबिट साइड डाल दो, अगर वो क्रेडिट साइड आ रहे तो क्रेडिट साइड डाल दो.
ऐसा क्वेश्चन आपको फाइनल में 8 नंबर का ज़रूर आएगा, जिसमें आपको पहले जर्नल बनाना पड़ेगा, देन आपको लेजर बनाना पड़ेगा, फिर उसी लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा. फाइन, सो दिस वॉज द कम्प्लीट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर ट्रायल बैलेंस इन विच वी डिस्कस जर्नल लेजर एंड देन हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर बैलेंसेस.